हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइव विद दिशा। एंड मैं दिशा, और मैं आप लोग के लिए आज लेके आई हूँ मीशो का ऑक्सीडाइज इयररिंग्स का हॉल अंडर 200 ओनली। सो इससे पहले भी मैंने आपके साथ मीशो के हॉल शेयर किया है इयररिंग्स का, पार्ट वन पार्ट टू। उसमें मैंने चूज़ किया था कैटेगरी थोड़ा सा एथेनिक काइंड ऑफ। एंड आज का जो पूरा हॉल है डेडिकेटेड है ऑक्सीडाइज एंड सिल्वर ज्वेलरी पर। सो जिसका भी इंटरेस्ट है एंड जो सोच रहा था ना, उसकी सर्च को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। आप लोग के साथ में शेयर करूंगी आज अपना एक्सपीरियंस एंड कैसा मुझे उनको पहन के लगा था। बाकी के आपको सारे के सारे फोटोग्राफ्स एंड ट्राई ऑन वीडियोस शेयर हो जाएंगे स्क्रीन पे। एंड मीशो का जो मेरा इयररिंग्स का प्रीवियस हॉल है, पार्ट वन पार्ट टू, उसका भी मैं लिंक आपके साथ स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। मैंने थोड़ा सा आज चेंज किया है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना सबको एथनिक भी पहनना है और ट्रेंडी भी लगना है, और जिनको ज़्यादा ना लाइक फंकी लुक टाइप का चाहिए होता है, लाइक जो ज़्यादा प्रॉपर बहुत ज़्यादा एथनिक वेयर नहीं करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी जो कॉटन साड़ीज़ के फ़ैन हैं और प्लेन सॉलिड कलर की साड़ीज़ पहनना पसंद करते हैं, और जिनको ज़्यादातर सिल्वर ज्वेलरी पसंद है, उन लोगों को पसंद आने वाला है। और होप सो माइट भी ऐसा हो सकता है कि मेरा कलेक्शन देख के कोई ना कोई नॉर्मल जो जो झुमकी लेने आया था वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ले रहे, क्या पता। क्योंकि मेरा तो पर्सनली, मुझे भी पसंद है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। कभी सम टाइम आप कलर किसी के साथ मिलाना होता है ना, तो स्पेसिफिक कलर ना लेके आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत जगह चल जाती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बातें हम कम करेंगे, और उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पे जो नए नए ऐड हुए हैं, उनको मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी। मैं दिशा और आप मेरे चैनल देख रहे हैं कैच लाइफ विद दिशा, जिसमें मैं आपके साथ पे लाइफस्टाइल एंड फैशन रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, और इसके साथ साथ आप मेरे डेली व्लॉग भी चेक कर सकते हैं, माइट भी आपको पसंद आने वाले हैं। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कैच लाइफ विद दिशा, तो भूलना नहीं है। वीडियो स्किप मत करना, पूरा का पूरा हर देखना, और अपना फेवरेट जो भी आपको इयरिंग्स लगा या फिर जो सेक्शन आपका अच्छा लगा, उसको प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताइए। और प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें जो मीशो के मुझे जितने भी आर्टिकल रिसीव हुए हैं आज के सारे की पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। आप बॉक्स के अंदर, उसके अंदर बबल रैप है, फिर अंदर बॉक्स है, उसके अंदर पन्नी है, उसके बाद मुझे इयरिंग रिसीव हुए हैं, तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी प्रोडक्ट मेरा डैमेज आया है। तो पैकेजिंग के लिए 10 out of 10 मैं दूंगी आज मीशो को। और सेकंड चीज़, आपको अगर पसंद कोई आता है और आपको डिलीवरी बहुत लेट दिखाता है ना, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, फॉर उन्हीं के लिए मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, तो मुझे डिलीवरी आई गेस 10 दिन बाद की, 15 days बाद की दिखा रहा था, बट प्रोडक्ट मुझे विद इन अ वीक रिसीव हो चुके हैं। मेट्रो सिटी की बात करते हैं, तो अगर थोड़ा सा जल्दी में है और मेट्रो सिटी में है, तो आप 90-95% चांसेस है कि आपको प्रोडक्ट ऑन टाइम मिल जाएगा, अगर वो विद इन अ वीक आपको ओकेजन है तो। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, हॉल की तरफ। सो फर्स्ट आर्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आया था। आपको ब्राउन बॉक्स के अंदर बबल रैप किया हुआ है, बबल रैप के अंदर पैकेट है, और पैकेट के अंदर हमारे इयररिंग्स है। तो जो पहले इयररिंग्स है ऑक्सीडाइज में, वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मुझे भी ना समटाइम्स अगर आपके ओपन डीप नेक है या साइड से देखो ना पतला वाला गला है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए अगर आपको लॉन्ग इयररिंग्स जो ना फॉल होते हैं वो चाहिए, तो उस तरीके से मैंने इसको चूज किया था। ये है एक चांद वाली इयररिंग, और लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये थोड़ा सा घूम गया है, एक सेकेंड। यस, तो फर्स्ट चलते हैं हमारे लुक की तरफ। इयररिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, अगर मैं देख पा रहे हो तो इस तरीके से ऊपर इसमें कुंदन का काम किया हुआ है, नीचे बीच में भी आपके सेंटर पे यही लटकन है, और नीचे को मोती का फॉल है। कोई डैमेज नहीं है, कोई चेन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कोई मोतिया कलर नहीं निकला हुआ है, आपको वाइट नहीं है, थोड़ा सा क्रीमिश टाइप का होता है ना जो हर आउटफिट के साथ जाता है, उस तरीके से मोती मिलेगा। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ। आप
तो देखिए पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, नीचे जो फॉल है ना बहुत ही सुंदर है, ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा है। जिसको इस तरीके से है ना कि डीप नेक है, कुछ नहीं पहनना है ज़्यादा कुछ, हाथ में बैंगल्स एक नॉर्मल कड़े डाल लिए हैं उस तरीके का है, ऑक्सीडाइज कड़े आजकल बहुत चलते हैं सिल्वर में, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, और इन ब्यूटीफुल ईयरिंग्स के साथ में आप अपने लुक को थोड़ा सा रिच क्लासी बना सकते हैं, बहुत सुंदर है। और एक इस तरीके का ना, या तो जीन्स के ऊपर आप कुर्ता डालते हो, या फिर सॉलिड कलर के, या फिर थोड़ा सा साड़ी होती है, कॉटन साड़ीज हैं, या भागलपुरी टाइप का प्रिंट है, तो उन साड़ीज पे भी आई गेस मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा। बाकी आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप कैसे भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस से पहनना है कि सबसे बेस्ट आप ही लग रहे हो, तो सब कुछ अच्छा लगता है। करते पहले इसकी प्राइसिंग की कैसा है, प्राइस इसका है 168 का, मुझे ये मीशो पे अवेलेबल था, और आफ्टर ऑल द डिस्काउंट अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद सारे डिस्काउंट लगाने के बाद ये प्रोडक्ट मुझे 153 में रिसीव हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ईयरिंग्स आपको उस काइंड ऑफ मार्केट पर अवेलेबल नहीं होते हैं, सब कुछ मार्केट में मिल जाता है, वही मार्केट से हमारे पास ही पहुंचता है, हमारे घर तक पहुंचता है, हमें बाहर निकलने की नीड नहीं होती है। मैं खुद मेट्रो सिटी में हूँ, मुझे भी खुद बहुत मार्केट जाने का होता है, बट समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, और फेस्टिवल्स घर पे होते हैं, आपको चाहिए होता है और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसी चीज़ के लिए हम बने हैं, हम आपके साथ करते हैं रिव्यू, ताकि आपको ना अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप चीज़ों को परचेज कर सकते हो, और इसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का लुक पसंद है। एंड बात करते हैं हैवीनेस की, तो ये ना लिटिल लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा वेट है इसमें, बट आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, आई गेस मेरे हिसाब से तो उसको 3-4 घंटा भी कैरी कर सकते हो आप, तो बहुत अच्छा परचेस है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। चलते हैं हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, सेकेंड प्रोडक्ट है वो भी मुझे इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, और ये एक काइंड ऑफ झुमकी है, हाँ ये इस तरीके से बबल रैप के अंदर ये भी इस तरीके से अवेलेबल था, काइंड ऑफ झुमकी है, और एथनिक के हिसाब से जैसे कि हम लोग बहुत कलरफुल और दूसरे मेटल में जो इयररिंग्स लेते हैं ना उस हिसाब से है, बट आपको पसंद आने वाली है, आपको बताती हूँ ये थोड़ी सी, एक सेकेंड निकल जाओ, हाँ जी। सो चलते हैं हमारे इयररिंग्स की तरफ, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ये इयररिंग्स है, जिसमें आपको ऊपर से हल्का सा मोर का जैसे लुक दे रखा है, और नीचे से आपको जनरली गोल बालियाँ मिलती हैं, बट इसमें आपको क्या मिल रहा है, राउंड लाइक राउंड नहीं मिला सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप, स्क्वायर बोल सकते हैं, झुमकी बहुत ही सुंदर थी, साथ में ये मिल रही है लटकन आपको अपने बालों में पीछे से टक करने के लिए, तो आप इसको ना किसी भी जैसे ना प्रॉपर दिवाली के फंक्शन में आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है, इसके साथ में आप सिल्वर या ऑक्सीडाइज डालने का सोच रहे हैं, तो ये और आपके बाल लेके बन बना रखा है, या आपने फिर ना जूड़ा या फिर आपने ओपन भी किए हैं, प्रॉपर सेट है, तो ये छोटी 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 जो घुंघरू है ना बहुत सुंदर है, और प्राइस के हिसाब से वेट आप ना 24 घंटे पहन लो, इतने हल्के हैं इयररिंग्स, और लुक बहुत क्यूट है, बहुत लंबे बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत सुंदर लग रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये इयररिंग्स दिखते हैं। मुझे ना देख के बड़ा जैसे कुछ इयररिंग्स को देख के बड़ा अच्छा सा लगता है कि मन करता है ना हाँ ये रख लो, चाहे नीड हो ना हो, वही वाला ये पीस था। थर्ड प्रोडक्ट ये है, और थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, छोटी सी बॉक्स में आया है, बबल रैप है, और इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा लुक डिफरेंट किया है, मैंने ट्राई किया ना हर तरीके से कवर करूँ, झुमकी भी कवर करूँ और लॉन्ग भी कवर करूँ, शॉर्ट भी कवर करूँ, थोड़े से पतले पतले इयररिंग्स भी कवर करूँ, तो ट्राई मैं सब करना चाहती हूँ कि सबको ना थोड़ा ऑडियंस में ऐसा कोई कोई नाराज़ होकर ना जाए, तो चलिए देखते हैं किस किस को क्या पसंद आता है। तो लुक हमारा इयररिंग्स का कुछ इस तरीके से रहेगा, अगर आपको दिख पा रहा है बहुत ही सुंदर इयररिंग्स है, लुक वाइज बात करते हैं, और नीचे से छोटी छोटी झुमकी लगी है, लॉन्ग चेन टाइप की है, एक चौड़ा सा चेन टाइप का लगता है, ऊपर से राउंड में है, नीचे भी सेम राउंड में बड़ा है, और ये इस तरीके से आपको लुक देता है। अभी तक मैं बिना इयररिंग्स के थी, अलग सी लग रही थी, अच्छी सी नहीं लग रही थी, और अभी इसे पहन के मैं बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। सो ये है, हैवीनेस भी नहीं है, नॉर्मल वेट है, बहुत ही नॉर्मल से आराम से 5 to 6 hours नॉर्मली से कैरी कर सकते हो, लड़कियां तो सब कैरी कर लेती है अगर उनको अच्छा लगता है,
तो ये है प्रॉपर ब्लैक वाला पॉलिश नहीं है, सिल्वर टाइप का लुक है, बहुत अच्छा सा है एकदम, बहुत लंबे नहीं है, देखिए अब टच नहीं हो रहा मेरे शोल्डर पे, तो बहुत सुंदर सा अवेलेबल है 180 रुपीज़ का, बट आफ्टर ऑल द डिस्काउंट ये मुझे आर्टिकल पड़ा है 156 रुपीज़ का। सब कुछ ठीक था बट प्राइस वाइज अगर ये प्रोडक्ट मुझे 100 या 110 का मिलता तो ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करती। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है, जो इसकी फिनिशिंग है ना वो मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि 150 पर और भी चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर अवेलेबल, जिसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसकी फिनिशिंग ना ओके ओके थी। आपको डिफरेंट चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट थोड़ा अच्छा भी दिखना है, मतलब कुछ उसमें कुछ ख़राबी नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ है, तो थोड़ा इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इतना भी रिकमेंडेड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ आर्टिकल की तरफ पे, और वो कुछ इस तरीके से बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था, उसके अंदर बबल रैप है, और बबल रैप के बाद आपके पास डायरेक्ट ईयर रिंग्स रिसीव होते हैं। ये भी कुछ डिफरेंट सा लुक मैंने देखा था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज भी थे सारे ईयर रिंग्स के, तो इसके रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। मुझे ना थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आप भी ट्राई कर सकते हो, समटाइम हर टाइम ना झुमकी उमकी हर टाइम लॉन्ग फॉल वाली ईयर रिंग्स पसंद नहीं आते, तो थोड़ा आपको कुछ अलग दिखना है, और आपका जैसे कि जनरली मेरा ओवर शेप है फेस का, तो मुझे ना मतलब लॉन्ग इस तरीके की ईयर रिंग्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। और ये ईयर रिंग्स भी ना काफ़ी अच्छा सा था, ये देखिए पहले फ्रंट से इसका लुक देखिए, ये कुछ इस तरीके से ईयर रिंग्स है, और वेट भी बहुत लाइट है, कुछ भी नहीं है, आप इसको देख सकते हो मैं वीडियो में भी, अंडर 200 में कुछ आपको डिफरेंट मिलता है तो क्या बुरा है। सी मेटल सारा के सारा, मतलब मैं आपसे ऑक्सीडाइज दिखा रही हूँ, जनरली ऑक्सीडाइज में इशू क्या आता है कि हाथ में ना ब्लैक वगैरह हो जाता है, और कुछ की पॉलिश ऐसी होती है कि कम प्राइस में तो अच्छी नहीं होती है, बट मैंने ट्राई ऑन भी किया, मैंने ये बना भी रही हूँ आपके साथ, मेरे हाथ में कोई अभी तक कुछ भी ब्लैक कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा लुक है आपको, मतलब बहुत अच्छा से हैवी लुक दे रहा है, थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है, आप इसको जनरली 2-3 आवर्स कैरी कर सकते हो, बट इसको पहन के नाचना मत, बहुत उसके हिसाब से प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि क्या पता किसी को कितना वेट पसंद है कितना वेट पसंद नहीं है, तो मेरे हिसाब से आई गेस 2-3 का 3-4 आवर भी आप इसको जनरली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे झुमके लगे हुए हैं, और बहुत प्यारा सा लगा मुझे। प्राइस भी इसका 169 पे मीशो पे अवेलेबल था, और उसके बाद आफ्टर ऑल द डिस्काउंट ये मुझे मिला है 145 ओनली। सो इसको मेरी तरफ से तो प्रॉपर हाईली रिकमेंडेड है, आज के फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पे, और फाइनल प्रोडक्ट भी आपको पसंद आएगा ज़रूर, और स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, जो आजकल थोड़ा यंगस्टर्स है ना, उनको ज़्यादा इस तरीके से बहुत पसंद आता है, तो उनकी चॉइस को देखते हुए और मेरी भी पर्सनल चॉइस को देखते हुए, मैंने ईयर रिंग्स कब से देखे हुए थे, और मैंने बहुत सारी वेबसाइट पर इनको ट्राई देखा हुआ था, तो मुझे देखना था कि ये रियल में ना किस तरीके से आपको लुक देता है। अभी आप मेरा लुक देख रहे हो ना, मैं बिना ईयर रिंग्स ही हूँ, एक मत पहना है एक में नहीं पहना, अभी आप देखिएगा तो मेरा कैसे कि कैसे लुक चेंज होने वाला है, और बहुत अलग टाइप का है, क्योंकि आप हर तरीके के लोग पसंद करते हैं, हर तरीके से अपने को ना डिफरेंट दिखाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये ईयर रिंग्स मंगाए थे, थोड़े से लॉन्ग हैं बट सुंदर है। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे इसमें मीशो पे ना, आपको इसकी अच्छी रेटिंग भी मिलेगी, और मैंने 2-3 सप्लायर्स से उसमें से बेस्ट वन को मैंने चूज़ किया है, और देखा कि किसका अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है, ऊपर से लेके नीचे जितना काम किया हुआ है ना सब कुछ क्लीन है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, नीचे लटकन लगी है, नीचे पत्ती की लटकन लगी है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं कैसे चेंज होने वाली हूँ। सी सो मतलब इसको आप करके ना आप टक कर लो, और कुछ इस तरीके से अच्छा सा कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगता है, बट मुझे ना अच्छा लगा था ये वाला ईयर रिंग्स, फॉल होके थोड़ा सा यहाँ पे से इकट्ठा होता है, वो बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही सिंपल, जो मैंने पहले आपको झुमकी दिखाई जिसमें ऐसे बना हुआ था ना, उस झुमकी और इसका वेट बिल्कुल सेम है, बहुत ही लाइट वेट है, पता ही नहीं चल रहा आपको कुछ पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, सामने वालों को लग सकता है एक बार क्लिक की कितना बड़ा पहना है और कितना हैवी हो रहा होगा, बट कुछ हैवी नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये वाला ना अपने ओकेजन अपनी चॉइस के हिसाब आप कहीं भी पहन सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये था मेरा आज का फाइनल प्रोडक्ट, और मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा लग रहा था। सो और छोटी छोटी लटकन लगी है ना, छोटी छोटी जैसे घुंघरू जैसे लगे हैं, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो इस चक्कर सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई है।
सो यही पर हमारा आज का जो वीडियो ख़त्म होता है। मैंने आपके साथ में शेयर करे 5 ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स फ्रॉम मीशो अंडर 200। बहुत ही सुंदर ईयरिंग्स थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थे, कोई डैमेज नहीं था, तो आप मीशो से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। बहुत सिंपल सी 7 डेज़ की रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है। आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा इशू है, तो आप उसमें आराम से कर सकते, कुछ रिफंड आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे पहले होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और साथ साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कैच लाइव विद दिशा, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएँ। और अभी बहुत कुछ आने वाला है, अभी मेरे पास आ चुकी हैं चीज़ें, मैं साथ साथ में जल्दी से एक आधा चीज़ें और शेयर करूँगी अपकमिंग डेज़ में। सो होप सो आपका सारा फेस्टिवल और शादी का सीज़न अच्छे से जाए, और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।